हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ESIC MTS के जितने भी स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो नॉन सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट नहीं हुए DV लिस्ट में, उनके लिए वो चीज़ मैं पूछूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही काम रहेगा कि इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के पास पहुँचाएं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ वो आप सभी के लिए है जो सेलेक्टेड है और कहीं ना कहीं नॉन सेलेक्टेड के फायदे वाली बात है। आप सभी को बताएं, तमिलनाडु और गोवा रीजन की ज्वाइनिंग आ चुकी है। अब इनमें से तमिलनाडु रीजन ने, मतलब जो स्टूडेंट है वहां पे, उन्होंने टाइम से 8 लोगों ने रिजेक्शन का लेटर भेज दिया कि भैया 8 लोग जो है, जिन्होंने मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाएगा। अब मैं आप सभी स्टूडेंट से ये पूछना चाहूंगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिन्होंने DV दिया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यस लिखिए, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप अपने रीजन का नाम और आप नो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, जिससे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तैयार करी जा सके कि भैया इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस जोन में ज्वाइन नहीं करेंगे, जिससे बाकी जो अदर वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व लिस्ट के जो निकाली जाएगी, उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जा सके। तो आप सभी स्टूडेंट जेन्युइन आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर से जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो रिप्लाई है ये कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट्स के फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं बाकी जो उस रीजन के स्टूडेंट है उनको मौका मिल सकता है, और ये जो जिम्मेदारी है ये आप सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर हो। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मतलब दिल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट जितने सिलेक्टेड हैं और अगर आप ESIC MTS को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो प्लीज आप अपना रीजन और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो यस और अपना रीजन जरूर लिखें, जिससे जो नहीं करेंगे उनके एक नंबर ऑफ लिस्ट जो है हर रीजन की मैं तैयार कर लूंगा और मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं कहेंगे उनको इनको होप मिलेगी और वो कहेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से अगर कोई भी नोटिस आएगा तो वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, यही आप सभी से विनती है। बाकी आप सभी को जो भी अपडेट आपको रहेगी वो मैं इस चैनल पे देता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरे ऊपर भी एक उपकार कर देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स मिलती हैं जो वहां पे आपको दी जाती हैं। ओके।